नमस्कार, एसएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एमपी से आए हुए अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, आपका एसएफ न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। अर्जुन सिंह के बारे में हम लोग बता दें, इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर डाला, लोग सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, साहब काशीराम की एक फिल्म बनाई, द ग्रेट लीडर ऑफ काशीराम, जो आज बहुत सारे सिनेमा हॉलों पे लग चुकी है, जिन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी है, और उनसे हमारी मुलाकात है अर्जुन जी से। अर्जुन जी, एक बात बताइए, ये फिल्म द ग्रेट लीडर काशीराम आपको बनाने का कहां से ख्याल आया? आपने ऐसा क्यों सोचा, क्या पढ़ा, ऐसा क्या लगा आपको कि ऐसा बना करना चाहिए? पिछले 4 से 5 साल पहले से मैं इस लाइन में हूँ, फिल्म लाइन में। और जब मैं ग्वालियर में अपना स्टडी कर रहा था, उस बीच में बाम सेफ की टीम स्टूडेंट्स को जाकर कैडराइज करती है, कैडर पढ़ाती है, जिसके बारे में वो हमारे जो महापुरुष हैं वो उनके बारे में बताते हैं। तो मैं उस बीच में एक मैंने कैडर प्रोग्राम अटेंड किया, जिसमें एक शख्स थे जिनको मैं आज अपना गुरु भी मानता हूँ, मनवर रायपुरिया जी। तो वो उस कैडर को अटेंड मतलब समझा रहे थे लोगों को। उस कैडर में उन्होंने मानवर कांसीराम साहब के बारे में बहुत कुछ बताया, क्योंकि उन्होंने पीएचडी भी किया है मानवर कांसीराम जी पे। तो उन्होंने उसके बारे में मुझे सब लोगों को बताया, तो मैंने उसको समझ लिया। उसके बाद फिर मैं मुझे लगा कि ये मुझे जानना चाहिए। फिर मैं उनके घर भी गया 2-3 बार, उनसे एड्रेस लेके। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। और फिर मैंने मिलने के बाद जब मैंने उनके बारे में जाना डिटेल में, तो मैं उस समय फिल्म मेकिंग कर रहा था, तो मैंने कहा सर अपन इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करते हैं। तो मैंने प्लान किया था कि एक 10 से 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म करते हैं। तो जब उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो फिर हमने लिखना स्टार्ट किया। मैंने उनकी हेल्प से लिखा, 1 साल तक हमने उस स्क्रिप्ट राइटिंग की। लिखते लिखते है ना, वो इतनी बड़ी स्टोरी हो गई कि डॉक्यूमेंट्री करने की कंडीशन में नहीं थे हम। वो करीबन 60 सीन की वो स्टोरी हो गई। मैंने कहा सर इसको अपन डॉक्यूमेंट्री नहीं कर सकते, अब कितना भी छोटा करेंगे ना। तो हमने बहुत काटने की कोशिश की उसको, लेकिन वो पार्ट कहीं ना कहीं छूट रहे थे। हमने कहा मैंने कहा सर इसको अब फीचर फिल्म करना पड़ेगा, फीचर फिल्म ही करेंगे। तो सुबह का टाइम था, उन्होंने कहा तुम घर आओ। मैं घर पहुँचा उनके सर के, और मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैं वहाँ से साइकिल से उनके घर पहुँचा। करीबन 5-7 किलोमीटर का वहाँ से वो रास्ता था। तो मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे करके फिल्म करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि यार फिल्म करना इतना आसान थोड़ी है, फिल्म कैसे कर सकते हो तुम, ना तो तुम्हारे पास संसाधन है, ना इतना पैसा है, ना कुछ है, कैसे कर सकते हो? तो मैंने कहा सर, और तुम खुद साइकिल से आए हो तो कैसे कर सकते हो? तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर जिस समय मानो आपने कांसीराम साहब के बारे में पढ़ाया है, और मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो आप ही ने बोला था कि उन्होंने कांसीराम साहब ने साइकिल से एक कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। तो ये तो छोटी सी फिल्म है, तो मैं भी कर सकता हूँ इसको। तो वो बहुत प्रभाव मतलब उस बात का प्रभावित हुए, प्रभाव पड़ा उन पर। तो उन्होंने कहा अच्छा कैसे करोगे? मैंने कहा मेरे पास एक प्लान है सर। वो करके 2014 का मध्य प्रदेश का चुनाव था विधानसभा का। मैंने कहा ये जो प्रभारी जी हैं यहाँ पर, राजाराम जी और भारती जी, मैंने कहा इनसे मिलके इनको ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं। स्टोरी तो हमने लिख ली, ठीक है, किस किस तरीके से करेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो सर ने मीटिंग अरेंज करवाई भोपाल में। प्रभारी दोनों प्रभारी जी थे, धर्मप्रकाश भारती और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम साहब। मैं स्टोरी को लेके और अपने कॉन्सेप्ट को लेकर उनसे मिला 2014 में। मैंने कहा मिल लिया मैंने, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके मानवर कांसीराम साहब पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मिला हूँ। तो उन्होंने कहा हमसे क्या हेल्प चाहते हो? मैंने कहा सर ये फिल्म का उद्देश्य है लोगों को, मानवर कांसीराम साहब को, यंग जो जनरेशन है उस तक पहुँचाना। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सर यूथ है ना, यूथ नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति का माइंड है वो पिक्चर में सोचता है, वर्ड में नहीं सोचता। जैसे मैंने उनको बताया कि मेरा नाम अर्जुन है, ठीक है, तो आपके दिमाग में कभी मुझे याद करोगे तो अर्जुन नाम लिख के नहीं आएगा, मेरा फेस आपके दिमाग में आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ ना कि मानवर कांसीराम साहब का वीडियो फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं, जो उनके जहन में बस जाए कि किस तरीके से उन्होंने काम किया। तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा सर जितने भी MLA चुनाव लड़ रहे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा सहयोग करवा दो, एज ए डोनेशन के तौर पर, या फिर एज ए फाइनेंसर, जो उनको फिल्म रिलीज करते समय वापस कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ तो मुझे इतना समय नहीं है, आप है ना भारती जी से, ये भारती जी बैठे हुए हैं, धर्मप्रकाश भारती जो आगरा से MLC भी रहे हैं और प्रभारी भी थे मध्य प्रदेश के, उनसे बोला। तो उन्होंने कहा एक काम करो अर्जुन, कैसे करना चाह रहे हो, बजट क्या? मैंने कहा सर 25 लाख रुपये बजट है।
वो कह रहे यार इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है 25 लाख में कैसे ख़त्म करो। मैंने कहा सर 84 तक ख़त्म करेंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो 84 के बाद का पार्ट फिर से बनाएंगे। तो बोले आर्टिस्ट कौन है, मैंने उनको बताया अपने स्तर पर, थिएटर से रिलेटेड लोग थे, तो उन्होंने कहा आप मेरे घर आओ। तो मैं उनसे कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन बाद आगरा पहुंचा मिलने, तो उन्होंने बताया कि यार बजट कम है, इसका बजट बढ़ाओ, पैसे की टेंशन मत लो, और मार्केट के आर्टिस्ट इसमें होने चाहिए। तो अब मैंने खुद से, और तुम्हारा प्रोडक्शन का रजिस्ट्रेशन है? मैंने कहा नहीं है सर, कि वो सब पहले कम्प्लीट ही करो उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैं बॉम्बे गया, मैंने प्रोडक्शन हाउस कम वो वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन से मेंबर बना। मैं मेंबर बनने के बाद है फिर मैं उनसे वापस मिला, जब तक मैं मुकेश खन्ना जी से बात कर चुका था, और भी एक दो आर्टिस्ट थे, सीमा विश्वास थी जो माया बहन जी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए तैयार थी। तो मैं मिलने के बाद फिर मैं उनसे वापस मिला। उस बीच में और नज़दीक आ गए चुनाव, तो धर्मप्रकाश भारती जी को वहाँ से मध्य प्रदेश का प्रभारी से हटा के गुजरात का प्रभारी बना दिया बहन जी ने। उसके बाद फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा यार मध्य प्रदेश से मुझे हटा दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा सर इस बीच में 2 से 3 महीने में मैं 1.5 से 2 लाख रुपए फंसा चुका हूँ, ठीक है, खुद का, और उसके बावजूद मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तो हर एक व्यक्ति को बता रहा हूँ, तो करीबन 1,000 व्यक्तियों को पता भी चल गया कि ऐसे करके कोई फिल्म बनाई जा रही है एमपी में। तो मैंने कहा अगर नहीं करेंगे तो फिर, कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन मार्क किया था पहले से कि नहीं कर सकते तुम, तो वो झूठा साबित हो जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा यार वो राजाराम जी से फिर से मिल लो तुम, वो कुछ करवा देंगे, मैं नहीं करवा सकता क्योंकि गुजरात आ गया हूँ और एमपी में लोग सपोर्ट कर सकते हैं, गुजरात में नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा सर इस प्रपोजल को बहन जी तक पहुँचा दो, बोले मैं नहीं पहुँचा पाऊँगा यार तुम खुद देख लो। उसके बाद फिर मैं राजाराम जी से फिर मिला, फिर उन्होंने मना कर दिया कि यार मत करो, रहने दो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मेरा ईगो अड़ हुआ, मैंने बोला सर कि फिल्म तो करूँगा मैं कैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े इसके लिए, लेकिन करने के बाद तो सपोर्ट करोगे आप, जैसे मैंने कर लिया। अभी हो सकता है आपको बिलीव नहीं है, सोच रहे होंगे एक बच्चा है पैसे लेके नहीं भाग जाए या जो भी है, तो मैंने कहा करने के बाद तो सपोर्ट करोगे, तो उन्होंने कहा हाँ कर लो आप। तो फिर मैं 1 से 1.5 साल तक उनसे नहीं मिला। उस बीच में हमने कैसे करके क्या किया है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख के बेच के, कुछ लोगों से अरेंज करके पैसा, रिलेशन वालों से, दोस्तों से, फिर हमने वो सपना छोड़ दिया कि सेलिब्रिटियों के साथ फिल्म करेंगे, हम थिएटर आर्टिस्टों के साथ फिल्म करने लगे। और 1.5 साल में हमने वो शूट एडिट करके एमपी फासपुर भी गया मैं, मानवर कांसीराम साहब के गांव, वहाँ भी उन लोगों से मिला, तो वो करके हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं राजाराम जी से मिला, मुझे पता नहीं था पहले कि फिल्म मेकिंग करने में जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा पैसा रिलीज करने में लगता है, क्योंकि पहली फिल्म की, ठीक है। तो उसके बाद मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली, आप इसको देख लो। तो वो शॉक्ड हो गए, वो कह रहे यार मैं तो सोच रहा था कि एक लड़का है ऐसे बोल दूंगा तो वो भाग जाएगा, बंद कर देगा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने तारीफ़ की मेरी, मुझे लगा कि अब ये मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ना उन्होंने, मैंने कहा सर आप क्या चाहते हो मुझसे, मैंने कहा सर इसको मुझे रिलीज़ करना है, आप या तो अपने हाथ से पहले इसको देख लो, अगर इसमें कुछ कमी है कि इसमें कुछ गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है, उसको अपन ठीक कर सकते हैं, रीशूट भी कर सकते हैं, पैच वर्क कर सकते हैं। तो बोले यार मैं तो डिसीजन नहीं ले सकता, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ये मेरे उसमें तो नहीं है, ये बहन जी कर सकती हैं। तो मैंने कहा सर इस फिल्म को बहन जी को दिखा दो कैसे भी करके। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मैंने कई प्रपोजल उनके पास छोड़े, 5 से 6 महीने दिल्ली के चक्कर लगाए, उनके बंगले पर भी गया 67 नंबर में जो रहते थे वहाँ कई चक्कर लगाने के बाद है ना मुझे निराशा मिली, मतलब उन्होंने किसी भी प्रदेश के प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष ने यह पर नहीं लगाया कि इस फिल्म को वहाँ तक। उन्होंने कहा यार बहन जी गुस्सा होंगी, ये फिल्म नहीं देखेंगी और वो हमें डांट पड़ेगी, ये पड़ेगी। मैंने कहा आप मत जाना, मेरी फिल्म की DVD पहुँचवा दो आप और वो देख लें, मुझे लात मार के भी भगाएंगी ना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि तुमने क्या क्या बनाया ये घटिया, लेकिन कम से कम देख तो लें एक बार, देखने को तैयार नहीं है। तो वो कह रहे यार मैं कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी परेशान होने के बाद मैं बैठ गया, अब फिल्म में जो रिलीजिंग में पैसा लग रहा था वो मेरे पास था नहीं। उसके बाद बहुत प्रयास किया बहन जी से मिलने का, किसी प्रदेश प्रभारी ने किसी ने ना मिलने दिया, अपने स्तर पे भी वहाँ पे मैं गया तो बहन जी के बंगले से कई बार वापसी हुई, जबकि मेवाराम जी जो राष्ट्रीय थे वो सचिव थे उनसे भी मेरी काफ़ी बार बात हुई। उन्होंने कहा ये कोई फॉर्मेट नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं मिला सकते आपको। तो मैंने कहा सर आप मेरे बारे में फीडबैक ले सकते हैं, प्रभारी से ले सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से ले सकते हैं कि मैं कितने समय से कितने पुराने समय से काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ये प्रोसेस है नहीं मिलने का। तो मैंने कहा सर प्रभारी जी बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाके मिलो, उनके सेक्रेटरी से बात करो, आप कह रहे हो कि प्रभारी के थ्रू आके मिलो, प्रदेश अध्यक्ष के थ्रू आके मिलो, तो ये आपस में मतलब कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ना कोई मिलवा रहा है, ना आप मिलवा रहे हो, एक दूसरे पर टाल रहे हैं, तो इसको मैं क्या समझूँ सर, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है, ठीक है।
तो उसके बाद है ना, बहुत निराश होने के बाद फिर मुझे लगा कि अब आस छोड़ देनी चाहिए अपने स्तर पे, इसको रिलीज करते हैं। फिर जब मैं रिलीज कर रहा था मध्य प्रदेश में, तो एक नए प्रभारी आए थे वहाँ BSP के, महेश आर्य। तो फिर मैंने उनको एक बार लास्ट बार फ़ोन किया, मैंने कहा इनको नए आए हैं तो हो सकता आ जाएं। तो मैं पोस्टर लॉन्चिंग का प्रोग्राम था जिसमें दिलीप मंडल जी, अशोक दास और वो जो महेश आर्य जी प्रभारी, उनको बुलाया था मैंने पोस्टर लॉन्चिंग करके। ग्वालियर के आसपास हमने उसको रिलीज किया। फिर रिलीज किया तो वो जो प्रमोशन के कारण जो ऑडियंस है ना वहाँ तक नहीं पहुँची, तो वो काफ़ी लॉस हुआ हमें उसमें। फिर अलग अलग शहर में और भी रिलीज किया, महाराष्ट्र में, विदर्भ में रिलीज किया लॉर्ड बुद्धा TV के साथ, वहाँ भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज भी उनके चेक बाउंस पड़े हुए हैं घर पे, लॉर्ड बुद्धा TV वालों के, 6 लाख रुपए के मेरे पास हैं, उनका भी एक पैसा नहीं मिला। उन्होंने 6 लाख रुपए में विदर्भ में खरीद चलाने के लिए उसको लिया था, वो भी मेरे पास हैं, बाउंस 3-3 बार बाउंस करा लिए, तो वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैसे भी करके, लोगों की कुछ इच्छा है मैं उसको यूट्यूब पर करूँ, या कोई कहीं से कोई सपोर्ट मिलता है कि इस शहर में मुझे ये फिल्म रिलीज करनी है, तो उसका YouTube से जो लाइसेंस यूज़ होता है सिनेमा हॉल के लिए, वो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई चाहे कि इस फिल्म को अपने शहर में देखना चाहे खुद के उसके खर्चे से, तो मैं दिखा सकता हूँ। बाकी ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि मैंने जो स्टोरी बनाई द ग्रेट लीडर काशीराम, वो मेरी स्टोरी सही है, फिल्म सही है, लेकिन बहुजन समाज की फिल्म होने की वजह से उसका मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है।